हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और एकदम फटाफट से बन भी जाती है। इसका टेस्ट भी एकदम डिफरेंट है। जब पनीर की सब्ज़ी खाने का मन हो तो ये वाली भुर्जी ज़रूर से ट्राई करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये टमाटर लिए हैं, दो टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, बारीक काट लिया है। एक प्याज को बारीक काट लिया है। हरी मिर्च ली है तीखी वाली, इनको भी बारीक काट लिया है। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको मोटे वाले साइड से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब हम पनीर की भुर्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा आधा छोटा चम्मच। जीरा हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज बारीक कटा हुआ। अब हम प्याज को यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे, लगातार चलाते हुए पका लीजिए। हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच घी। घी से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है पनीर भुर्जी में, ज़रूर से डालकर ये भुर्जी ट्राई करके देखना। और जब घी में पनीर भुनता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, ये तीखी वाली हरी मिर्च है। और अब हम डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन दरदरा कूटा हुआ, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। आपके पास पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हो। और इसको हम यहाँ पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो निकल जाए। और हम यहाँ पर इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच बेसन। बेसन से बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार होगी। और जो बेसन है इसको हम यहाँ पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। घी में बेसन भूनता है तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। सिर्फ एक चम्मच डालिए, इसी से बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी और खुशबू बेसन की वजह से बहुत ही अच्छी आएगी। टेस्ट भी इसका एकदम डिफरेंट होगा। पनीर भुर्जी ज़रूर से ट्राई करना ये बेसन डालकर। इसको अमृतसरी पनीर भुर्जी बोलते हैं, ज़रूर से ट्राई कीजिए। जो अमृतसर में भुर्जी बनाई जाती है वो इसी तरह से बनाई जाती है। तो ये देखिए प्याज और बेसन अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को बारीक बारीक काट लिया है और लगातार एक साथ मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और मैंने एक छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया है आधा छोटा चम्मच, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक डालने से टमाटर भी बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और इसको हम यहाँ पर एक मिनट के लिए टमाटर के साथ भून लेंगे। और ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको यहाँ पर ढक्कन लगाकर पकाएंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। हमें यहाँ पर ग्रेवी बनानी है। और देखिए दो मिनट के लिए पका लेंगे। और देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें से जो घी तेल है अलग दिखने लग गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और टमाटर को हम यहाँ पर इस तरह चमचे की सहायता से ही मैश कर लेंगे। और ये देखिए ये टमाटर जो अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ये गर्म पानी का यूज़ किया है। गर्म पानी डालकर इसको बढ़िया से मिक्स कर लीजिए और इसमें उबाल आने दीजिए। लगातार चलाते रहिए ग्रेवी को, नहीं तो जो बेसन डाला हमने वो नीचे चिपकने लगेगा। और ये देखिए ग्रेवी हमारी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें ये पनीर डाल देंगे। और ये देखिए पनीर डालकर इसको अच्छे से मिला लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अब हम यहाँ पर भुर्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया भुर्जी बनकर तैयार होगी हमारी, ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मेथी का।
पनीर की कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें कसूरी मेथी ज़रूर से डाली जाती है। अब हम इसको यहाँ पर ढक्कन लगाकर सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि पनीर में मसालों का टेस्ट है वो अच्छे से आ जाए और पनीर भी बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसको यहाँ पर पका लिया है और ये देखिए ये पनीर भी अच्छे से पक चुका है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस भुर्जी में से। ये देखिए एकदम लटपटी सी ये भुर्जी बनी है, बहुत ही चटपटी बनी है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच पनीर मसाला, आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए और इसको हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भुर्जी हमारी बनकर एकदम तैयार है, बहुत ही जल्दी एकदम फटाफट से बन जाती है। आप ये भुर्जी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस भुर्जी को रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी खाइए या फिर राइस बनाकर उसके साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये भुर्जी कैसी लगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।